नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। सबसे पहले तो दिवाली की और नए साल की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। नए साल के इस खास मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो कुछ नया करने के लिए आज जो मैं है सबसे पहला अपना मोटो व्लॉग बनाने वाला हूँ। और मोटो व्लॉग बनाने के लिए मैं जो राइड ले रहा हूँ मेरे बाइक पे, वो चिंचपोकली से मालसेज घाट के लिए मैं एक लॉन्ग राइड के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर से मालसेज घाट करीब करीब 135 किलोमीटर है, यानी कि 3 घंटे की राइड है। 3 घंटा यहाँ से वहाँ जाना और रिटर्न बैक फिर 3 घंटा, मतलब करीब करीब 6-6.5 घंटे की ये राइड है। पूरा एक्सपीरियंस मैं अपने इस वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ और रास्ते की सारी सीनिक ब्यूटी इस कैमरे में कैप्चर करने वाला हूँ। सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप सभी लोग वहाँ पे जाने के लिए एक्सपीरियंस हो जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए बस चलते हैं राइड के लिए। थैंक यू। इस वक्त सुबह के ठीक 8:30 बजे है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने सबसे पहली राइड मालसेज घाट के लिए। वैसे तो सुबह मैं ठीक 6:30 बजे निकलने वाला था इस राइड के लिए, लेकिन रात को देरी से सोने की वजह से मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। और गोप्रो फर्स्ट टाइम मैंने अपने हेलमेट पे माउंट किया है, इसे अपने हेलमेट में माउंट करने और माइक को हेलमेट में सेट करने में मेरा करीब करीब आधा घंटा बिगड़ गया। तो यही वजह है कि मैं थोड़ा देरी से अपनी राइड के लिए निकल रहा हूँ, पर देर से ही सही, राइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइड पर जाना है तो बस जाना है। दोस्तों, कॉलेज के दिनों से ही बाइक राइडिंग मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ रहा था, लेकिन कभी मैंने इसे पूरा नहीं किया। तो इस बार एक अच्छी बाइक लेने से पहले मैंने काफ़ी सारी ब्रांड्स के अलग अलग बाइक के टेस्ट राइड लिए हैं और बाद में फाइनली मैंने KTM 390 एडवेंचर को लॉन्ग राइड के लिए सिलेक्ट किया है। इसे क्यों सिलेक्ट किया है और इसके क्या एडवांटेज है, मैं आगे वीडियो में आपको बताते जाऊँगा। राइडिंग की शुरुआत में मेरी मुलाकात सबसे पहले इन 4 महानुभावों से, भारत के वीरों से हो गई है, जो कि एक ही बाइक के ऊपर 4 बड़े एडल्ट सवार होकर कहीं तो भी जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 25-50 रुपए के टैक्सी और रिक्शा के पैसे बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी रिस्क ज़िंदगी से लेना, ये बहुत ही गलत है। कभी भी बाइक के ऊपर 2 से अधिक व्यक्तियों को ना बिठाएं और ऐसी इस तरह के रिस्क ज़िंदगी में ना लें, और कानून का पालन करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये मेरी दरख्वास्त है तमाम दर्शकों से। घर से निकलने के बाद ये सबसे पहला जो चौराहा आया है जहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट में जो रास्ता है वो टूवर्ड्स भिवंडी की तरफ जाता है और राइट का जो रास्ता है ये कल्याण रोड की तरफ जा रहा है। तो कल्याण सिटी से होके हमें मालसेज घाट के लिए जाना है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, पर ऑफ रोडिंग है तभी तो मज़ा है। KTM 390 एडवेंचर का यही तो एक मज़ा है कि आप ऑफ रोडिंग के लिए इससे अच्छी बाइक आपको मिल ही नहीं सकती है। कैसा भी रास्ता हो, कितने भी खड्डे हो, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने राइड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हो। सुबह राइड के लिए निकलने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से मैंने घर पे भी कुछ चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था। और पूरे रास्ते मैं एक अच्छी सी होटल ढूंढ रहा था जहाँ बैठ के मैं एक कॉफ़ी ब्रेक ले सकूँ, लेकिन इतनी देर के बाद में ये पहली ऐसी होटल है जो मुझे लगी देख के ठीक ठाक है, जिसका नाम होटल प्रांजलि है। काफ़ी अच्छी होटल दिख रही है और यहाँ पर लोगों की गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी होटल है जहाँ पर टी ब्रेक या एक कॉफ़ी ब्रेक लेना चाहिए। तो मेरे बाइक अभी इस वक्त साइड में लगा रहा हूँ और मैं सीधा अंदर नाश्ते के लिए जा रहा हूँ। कैमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैंने नाश्ते करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए अपना वीडियो नहीं बना पाया मैं, लेकिन मैं आपको अपना रिव्यू दे देता हूँ इस होटल के बारे में। नाश्ता बहुत ही बकवास था। मैंने यहाँ पर मिसल पाव मंगाया था और एक कॉफ़ी मंगाई थी। मैंने इतनी वाहियात मिसल पाव मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन टेस्ट भी बहुत ही ख़राब था। तो मैंने वो पूरा खाया भी नहीं, ऐसे ही छोड़ के मैं फिर से ऐसे ही निकल गया हूँ। बस कॉफ़ी मैंने आधी पी, वो भी मुझे मज़ा नहीं आई इतनी।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बाइक के बारे में, KTM 390 एडवेंचर के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये मेरी ऑफिशियल फर्स्ट राइड है, लेकिन अनऑफिशियल मेरी दो राइड पहले हो चुकी है। ऑफिशियल इसके लिए क्योंकि मैंने इस राइड को पूरा शूट किया है, और इससे पहले की दोनों राइड को मैं शूट नहीं कर पाया था। दोस्तों सबसे पहली राइड बाइक लाने के बाद जो मैंने की थी, वो मैंने की थी लोनावला की, और दूसरी राइड की थी मैंने इगतपुरी भंडारदारा की। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतरीन बाइक कोई हो ही नहीं सकता। भंडारदारा का जो रास्ता है, पौने घंटे का करीब रास्ता है, पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग है, और उस ऑफ रोडिंग के ऊपर इस बाइक को चलाने का जो मैंने आनंद लिया है, जो मैंने इंजॉय किया है, जो मैंने इस एडवेंचर को फील किया है, वाकई में उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हर सिचुएशन में हर तरह के रोड के लिए इससे बेहतर बाइक नहीं हो सकती। वैसे तो मैं बाइक के बारे में इतना कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे ही आप कोई अच्छा गाना सुनते हो, तो गाना सुनने के बाद तुरंत ये कह सकते हो कि ये गाना बहुत अच्छा गाया है या ख़राब गाया है, भले ही आपको उसका टेक्निकल नॉलेज हो ना हो। वैसे ही ये बाइक भी बिल्कुल वैसी ही है। आप जब इसे एक बार राइड के लिए ले जाओगे, यकीनन आपके अंदर से जो आवाज़ निकलेगी वो यही कि बस यही मुझे चाहिए थी, यही बाइक मुझे चाहिए थी एडवेंचर के लिए। तो दोस्तों बाइक के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन बाइक है लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए भी। इससे बेहतरीन बाइक का मार्केट में आपको ऑप्शन इस रेंज में नहीं मिल सकता। बाइक में लंबाई, चौड़ाई, हाइट सब कुछ इस बाइक में है। इस बाइक पर बैठने के बाद आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि बस यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस बाइक में आपको मोबाइल चार्जिंग तक भी दिया गया है, और आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए बाइक में क्या चाहिए, सब कुछ तो इसमें दे दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बाइक लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए हो ही नहीं सकती। सुबह की राइडिंग से अब तक का सबसे बेस्ट लोकेशन जो मेरे सामने आ रहा है, वो ठीक मेरे नज़रों के सामने है, और मैं यहाँ अपने आप को रोके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने अपनी बाइक को अभी इस वक्त मैं पार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से उतर के इस पूरे खूबसूरत नज़ारे का पूरा आनंद लेने वाला हूँ, और आपको भी ये खूबसूरत दृश्य दिखाने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ से आगे निकलने का वक्त आ गया है। फिर से मैं अपनी बाइक की ओर जा रहा हूँ, उस पर बैठ के उसे स्टार्ट करूँगा और आगे की ओर मूव करूँगा। दोस्तों ये इस वक्त मैं घाट पे चढ़ चुका हूँ पूरी तरह से, और यकीन मानिए ये पूरी जो चढ़ाई के बीच का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आपको हर 5-10 मिनट बाद में ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बाइक को साइड में लूँ, दो मिनट उस जगह पर रुकूँ, उस जगह से कुछ सेल्फी क्लिक करूँ या नेचर की कुछ तस्वीरें क्लिक करूँ। इतना खूबसूरत ये लोकेशन है। मालसेज घाट पे आने के लिए जो सबसे बेस्ट महीना है, जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है, वो है बारिश की टाइमिंग। बारिश में अगर आप इस जगह पे आ जाते हो तो आप लिटरली पागल हो जाते हो इस जगह को देख के, क्योंकि चारों ओर इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि बस
देखते ही बात बन जाती है। और उस वक्त यहाँ पे जो पहाड़ जो है, पहाड़ के ऊपर से वाटरफॉल्स जो है, वो इतने अलग अलग जगहों से वाटरफॉल्स आते हैं कि बस आप लिटरली ऐसी सीनिक ब्यूटी देख के आप मतलब एकदम समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करेंगे। यहाँ तस्वीर खींचूँ कि वहाँ तस्वीर खींचूँ, इस जगह जाऊँ कि उस जगह जाऊँ, यहाँ पे रुकूँ कि वहाँ रुकूँ, सारा एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। इतनी सीनिक ब्यूटी है, ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड का दृश्य देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। मैं इस वक्त बहुत ही हाइट पे हूँ बाइक पे, और बाइक चलाने का ये एक मज़ा है। देखिए मेरे साइड में एक और पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं रुकना नहीं चाहता था यहाँ पे और आगे बढ़ना चाहता था, पर ये ऐसी बहुत सी जगह है बीच बीच में आपको आती जाएगी जहाँ पे आपका ऐसा दिल करेगा कि बस मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और मैं तस्वीरें क्लिक करूँ, बिकॉज सीनिक ब्यूटी इस पूरे एरिए में बहुत ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में ऐसी ये एकमात्र ऐसी जगह नहीं, ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे आप वीकेंड के लिए जा सकते हो, बाइक राइडिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपको बाइक से डर लग रहा है तो आप कार लेके भी जा सकते हो, लेकिन आप निकलिए, आप अपने घर से निकलिए, बस आप इस चीज़ों को एंजॉय कीजिए, इस वातावरण को पूरा पूरा एंजॉय कीजिए। इस वक्त मैं मालसेज घाट पहुँच चुका हूँ, और इस वक्त ठीक मेरी दाई तरफ राइट साइड में काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, भुट्टा, जो भी स्नैक्स की आपको ज़रूरत है आप वहाँ पे खड़े होकर वो स्नैक्स कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत फ़िलहाल महसूस नहीं हुई, तो मैं यहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने का मेरा मकसद ये था कि हाँ, मुझे पता है कि एक MTDC की बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। मेरा मूड पूरा है कि रात को मैं यहाँ पर रुकूँ अगर मुझे अच्छा रूम मिल गया यहाँ पर तो, और वो यहाँ से बहुत करीब है। ये इस वक्त मेरे ठीक सामने एक छोटा सा छोटी सी टनल है जिसमें से होकर मैं निकल रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा ये एहसास है इस वक्त बाइक पे सवार होकर इस टनल से निकलना। और ये बाहर आते ही यहाँ पे भी लेफ़्ट तरफ काफ़ी एक अच्छा सा व्यू है जहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े होकर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए मेरे ठीक लेफ़्ट तरफ यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। और मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ MTDC रिसोर्ट की ओर जा रहा हूँ। और MTDC रिसोर्ट के बारे में बताऊं कि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर MTDC के बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट्स है। पिछली बार जब मैं भंडारदारा गया था तब भी मैंने नाइट स्टे वहाँ की MTDC लेक रिसोर्ट पे किया था। यकीन मानो दोस्तों, नाइट स्टे करने का ऐसा मेरा कोई मूड नहीं था, प्लान नहीं था, पर जैसे ही मैंने बाइक रोका और उस होटल का एक रूम देखा तो बस मूड हो गया कि आज की रात तो मैं यहीं पर रुकूँगा। 1600 रुपया उसका रेंट था, और घर के बाहर इतनी बड़ी बालकनी, और बालकनी के ठीक सामने इतना खूबसूरत लेक, मैंने ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। तो उस वक्त भी मैंने MTDC की प्रॉपर्टी में मैंने वन नाइट स्टे किया था, और आज भी यहाँ मेरा पूरा मूड है। ये देखिए MTDC के गेट के अंदर घुस चुका है, मेरा पूरा मूड है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा रूम मिल गया तो मैं पक्का 100% नाइट स्टे यहाँ पर करूँगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैंने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, सुबह नाश्ता भी मुझे अच्छा नहीं मिला रास्ते के होटल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि यहाँ पे फ्लेमिंगो करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, तो सबसे पहले पेट पूजा की जाए। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ फ्लेमिंगो में, और मैंने मेरे लिए दाल फ्राई जीरा राइस ऑर्डर किया है। मैं बहुत ही भूख लगी थी मुझे, तो मुझे कुछ कार्ब्स को खाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे बाइक राइडिंग करनी है, तो आई नीड कार्बोहाइड्रेट्स, अब मुझे ताकत की बहुत ज़रूरत थी। तो इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ फ्लेमिंगो में और फूड का एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं मालसेज घाट के MTDC हॉलीडे रिसोर्ट में हूँ। उसके ठीक सामने, रिसोर्ट के सामने एक बहुत अच्छा सा खुला सा मैदान है। इस मैदान में मैं आया हूँ थोड़ी देर फोटोग्राफी के लिए, और आपको भी यहाँ के जो खूबसूरत दृश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। मालसेज घाट से थोड़ा आगे जाने पर आपको MTDC का ये रिसोर्ट मिलता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूम हैं, इसमें तीन कैटेगरी है, डिलक्स, सुपर डिलक्स और विला है। विला सबसे बेहतरीन रूम है। मुझे भी यहाँ पे नाइट स्टे करना था, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी कारण से रूम नहीं मिल पाया विला का, तो नाइट स्टे कैंसिल करके फिर मैं मुंबई की ओर निकलूँगा। लेकिन निकलने से पहले आपको मैं यहाँ का ये MTDC रिसोर्ट पूरी तरह से दिखाता हूँ।
चलिए मैं आपको इस गेट से अंदर जाके एमटीडीसी प्रॉपर्टी से पूरा रूबरू कराता हूँ। इस वक्त ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, ये विलाज है जो यहाँ की सबसे लग्जरी विलाज है, बहुत ही खूबसूरत है। बदनसीबी से मुझे यहाँ पे कोई भी विला खाली नहीं मिला, तो मैं रात को यहाँ पे स्टे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले जा रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के बीचों बीच, जहाँ ठीक मेरे सामने इस वक्त जो है गार्डन है, प्ले एरिया है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से ठीक लेफ़्ट की ओर भी मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, जो कि ये विलास की जो है विलास है सारे, इनकी विला में जाने की जो एंट्री है वो यहाँ से है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, यकीनन वीकेंड पे यहाँ पे रुकने का मज़ा ही कुछ और है। अब मैं चलता हूँ सीधा अंदर की तरफ, जहाँ ठीक मेरी राइट साइड में था फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट और लेफ़्ट साइड में फिर से एक गार्डन है, जहाँ पे ओपन चेस खेलने के लिए एक जगह बनाई हुई है, जहाँ पे आप बैठ के चेस खेल सकते हो। क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपको और यहाँ पे क्या चाहिए। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ टूवर्ड्स पार्किंग की तरफ। ये इस एरिया का पार्किंग लॉट है जहाँ मैंने थोड़ी देर के पहले अपनी बाइक पार्क की थी, आपको बताया था, राइट साइड में। और लेफ़्ट साइड में जो है ये दूसरे कैटेगरी के रूम्स हैं, जिनका रेंट करीब करीब 2,000-2,500 के आसपास है, मतलब कुल मिला के 2,000-2,500 से लेके 3,500-4,000 तक की रेंज के यहाँ पे रूम्स हैं। आपको जो पसंद आए आप उसमें स्टे कर सकते हो। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि यहीं पास में एमटीडीसी रिसोर्ट से एकदम पास में एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, तो सोलो राइडिंग का यही तो मज़ा है, जब भी कोई नई जगह पता चले तो बस एडवेंचर के लिए चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ समझना नहीं है, बाइक लो और चल पड़ो उस। तो दोस्तों मैं इस वक्त अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और चल रहा हूँ लेक की तरफ। पता नहीं क्यों लेकिन लेक से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। भंडारधारा में मैंने लेक को बहुत इन्जॉय किया था और ठीक वैसा ही लेक इस वक्त मेरे सामने है। मैं सीधा लेक की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक रास्ता जो राइट की तरफ जा रहा है वो स्वस्तिक बोटिंग क्लब की तरफ जा रहा है। तो बोटिंग तो वैसे मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप सभी के जानकारी के लिए मैं इस रास्ते से एक बार आगे जाके आपको ये रास्ता दिखाता हूँ। रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग का है, रास्ता पूरा सा उबड़ खाबड़ है, लेकिन एक बार रास्ता कंफर्म करने के लिए यहाँ से लोकल लोगों को मैंने पूछ भी लिया कि रास्ता बराबर स्वस्तिक बोटिंग क्लब की ओर जाता है कि नहीं, पर उन्होंने कहा ये रास्ता परफेक्ट है। तो मैं चल पड़ा हूँ बोटिंग क्लब की तरफ। रास्ता ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है, ख़राब है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि KTM 390 एडवेंचर बाइक बनी ही ऐसे रास्तों के लिए है। रास्ते के ठीक लेफ्ट तरफ अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे टेंट बने हुए हैं। अगर किसी को एडवेंचर और एक्सट्रीम लेवल तक करना है तो आप इन टेंट में रुक सकते हो। टेंट का किराया करीब करीब 1100-1200 रुपये पर नाइट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते जा रहा हूँ इस रास्ते पर, इस ख़राब रास्ते पर, जिसमें कि चलाने का बाइक मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इस वक्त ठीक मेरे लेफ़्ट साइड में और भी काफ़ी सारे टेंट बने हुए हैं लेफ़्ट साइड में ग्रीन कलर के। मैं आपको थोड़ा आगे जाके और दिखाता हूँ मैं इसे। यहाँ पर भी रात को स्टे करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको एडवेंचर करना हो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा आपके जीवन में। देखिए ऊपर मेरे राइट साइड में बोर्ड आ चुका है स्वस्तिक बोटिंग क्लब का, और मैं सीधे बढ़ रहा हूँ बोटिंग क्लब की तरफ। और ये मेरे सामने ये रास्ता ठीक ख़त्म हो रहा है, और अगर आपको दिख सकता है तो सामने पूरा का पूरा लेक दिख रहा है। और ये यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरा मुझे एकदम लेह लद्दाख जैसा व्यू दिख रहा है। नीला आसमान, चारों तरफ माउंटेन्स, नीचे लेक, ग्रीनरी, आजू बाजू में रास्ता पूरा एकदम सेम लेह लद्दाख जैसा ये करीब करीब व्यू है। मेरे पहले काफ़ी गाड़ी में यहाँ पर कुछ टूरिस्ट यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए आए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और बस यही मुझे चाहिए था आज की इस ट्रिप का सबसे, आज की इस राइडिंग का सबसे बेहतरीन दृश्य जो इस वक्त है वो मेरे सामने है। इस चीज़ को, इस दृश्य को, इस फीलिंग को मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बस इसे देख के
स्तब्ध रह गया हूँ। बाइक को खड़ी करके मैं नीचे उतर चुका हूँ और मैं सीधे लेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। इससे खूबसूरत नज़ारा आपको और क्या चाहिए? दोस्तों, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपने इस वक्त, आपकी एज 42 की हो गई, और आपने बाइक क्यों ख़रीदा, क्यों कार में ट्रैवल नहीं करते हो? उन तमाम लोगों को मेरा ये जवाब है, कार में वो मज़ा नहीं है जो बाइक राइडिंग में मज़ा है। बाइक से आप किधर भी, कैसे भी उबड़ खाबड़ रास्ते में वहाँ पहुँच सकते हो। दूसरी बात, कार में आप चारों शीशे बंद करके एसी में बैठे होते हो, बाहर की जो हवा का आनंद है, जो हवा आपको छूती है, जो बाहर की महक है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। इन सब को इंजॉय करने के लिए बाइक राइडिंग से बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। आपको अगर नेचर से 1-to-1 मुलाकात करनी है, नेचर को फील करना है, बाहर की हवा को, बाहर की महक को, तो बस बाइक लीजिए और चल पड़िए राइडिंग के लिए। दोस्तों, इस दृश्य को देख के, ये दृश्य मैंने भी आपको दिखाया और देख के मैं खुद इतना खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अब यहाँ से भी आगे चलना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप फिर से मेन रोड पर जाके, वहाँ से करीब करीब 4-5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। बारिश के दिनों में राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ पानी ही पानी रहता है और ये पानी का लेवल करीब करीब रास्ते तक आ जाता है। लिटरली आपको उस वक्त बारिश के महीने में ऐसा फील होगा कि लेक के बीच में से ये रास्ता आपको सीधा हेवन की तरफ ले जा रहा है। आपको वैसी ही फीलिंग उस वक्त आएगी। लेकिन इस वक्त जो है, लेफ़्ट साइड में पानी काफ़ी सूख चुका है और राइट साइड में ही लेक है। मैं इस पूरी राइड को इंजॉय कर रहा हूँ और इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तेज़ी से आने वाली खुली हवा, वहाँ की महक और ये सामने अद्भुत दृश्य, यकीन मानो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। और इससे खूबसूरत नज़ारा, इससे खूबसूरत राइड मैंने किसी रोड पे अब तक नहीं किए। ये अब तक की मेरी तीसरी राइड है और तीनों राइड में सबसे बेस्ट जो रास्ता, जो व्यू को जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ राइड करते वक्त, वो आज की ये मालसेज घाट की इस लेक वाला जो व्यू है, वो सबसे बेहतरीन व्यू है और ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन बेस्ट राइड है। देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग लेफ़्ट में खड़े होके फ़ोटोग्राफी के लिए नीचे उतरे हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे जाके मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, नीचे से एक रास्ता होते हुए जो है वो करीब लेक के अंदर की तरफ जा रहा है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप यहाँ से नीचे उतर के करीब करीब अंदर जाके ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, यकीन मानिए, जब भी आपका मूड हो तो आप बाइक लेके चल पड़िए मालसेज घाट के लिए। सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और मैं फिर आगे निकल चुका हूँ अपने मुंबई रिटर्न होने के लिए, और रिटर्न होने से पहले भूख लगी है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नाश्ता करने के लिए, शिवनेरी मिसल करके इसका नाम है, जो कि प्योर वेज है। जो भी लोग वेज फूड के शौकीन हैं, जिन्हें नॉन वेज का परहेज़ है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि शिवनेरी मिसल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने फिर से अपनी बाइक पार्क कर दी है और शिवनेरी मिसल में नाश्ता करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, पिछली बार का जो मेरा एक्सपीरियंस था प्रांजलि में, वो बहुत ही ख़राब था। लेकिन शिवनेरी मिसल में मैंने वड़ा पाव ऑर्डर किया है और एक कॉफ़ी ले रहा हूँ। यकीन मानिए, टेस्ट बहुत अच्छा है। आप भी रास्ते में यहाँ पर आके नाश्ता कर सकते हो। नाश्ता करने के बाद तुरंत मैं फिर आगे की ओर निकल पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ठीक 7 बजे तक घर पे पहुँचना है। 8:30 बजे मैंने अपने दोस्तों को अपने घर पे टाइम दिया है। रात को हम लोग नाइट आउट करने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए फिर से अपनी बाइक की ओर जा रहा हूँ, ताकि मैं समय पर घर पर पहुँच सकूँ। बाइक राइडिंग के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, कि मेरे लिए बाइक राइडिंग जो है वो बिल्कुल एक मेडिटेशन की तरह है। मेरी नज़रें रास्ते पे होती है और मेरे हाथ पैर अपने आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह अपने आप में होता हूँ, मैं अपनी स्वयं में होता हूँ। और मैं इसे इतना इंजॉय करता हूँ कि इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख यही है कि आप स्वयं में हो जाओ।
आप भीतर की तरफ चले जाओ और वही तो मेडिटेशन कहलाता है। और बाइक राइडिंग का यही एक मज़ा है कि मैं इस वक्त मेरे विचार जो है वो सारे शून्य हो जाते हैं और भीतर की तरफ जाके मैं असीम खुशी में शामिल हो जाता हूँ। बस मैं यही कह सकता हूँ कि बाइक राइडिंग मतलब मेरे लिए एक तरह का मेडिटेशन है। पूरे दिन की बाइक राइडिंग का ये भी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव जो है वो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ठीक सामने सूरज है। और यकीन मानो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सूरज के साथ और सूरज मेरे साथ बिल्कुल आँख मिचोले खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता सीधा मेरे घर की तरफ नहीं लेकिन एक जगह पे जहाँ ख़त्म होगा, बस वही मेरी सूरज से मुलाकात हो जाएगी और मैं सूरज को अपने आगोश में भर लूँगा। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है, मैं आपको इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। पूरे रास्ते शाम को जब मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो कभी लेफ़्ट से सूरज आ रहा है, कभी राइट से आ रहा है, कभी झाड़ियों के बीच में से आ रहा है, तो कहीं कहाँ से, बिल्कुल ये मेरी और सूरज के बीच में एक अद्भुत आँख मिचोली वाला खेल चल रहा है। दोस्तों, मैं क्या कहूँ, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आप भी कभी बाइक राइडिंग पे निकलिए सनसेट के टाइम में, आप सेम वैसा ही महसूस करेंगे। थोड़ी दिक्कत की बात यहाँ है, ये हो गई कि इस गोप्रो कैमरे से मैं थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से कई बार कुछ दृश्यों में सूरज जो है इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है जितना कि क्लियर मैं उसे देख पा रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको शायद इतना जो अनुभव नहीं होगा इस वीडियो के माध्यम से जितना कि मैं लाइव इसे फील कर पा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही एक्सट्रीम अनुभव है। इस वक्त मैं अपने घर के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन पहुंचने से पहले एक बात ओशो की आपको ज़रूर कहूंगा कि जो ज़िंदगी को जी रहा है वही असली सन्यासी है, और जो सिर्फ ज़िंदगी जीने का इंतज़ाम कर रहा है और जी नहीं रहा है वह गृहस्थ है। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। आप ज़िंदगी को जिए, जैसे भी मन करे वैसे जिए, आपके जीवन में आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, भले बाइक राइडिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, लेकिन ज़िंदगी को जिए, हर कीमत पे ज़िंदगी को जिए, जीना कभी भी बंद ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आज का पूरा वीडियो मैंने जो शूट किया है, मेरा पहला फर्स्ट मोटो व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा। और पसंद आए तो इस वीडियो पे ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरीज इस ट्रैक इस राइडिंग के बारे में अगर आपके दिल में है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगली बार फिर आपको एक ऐसे ही खूबसूरत सी राइड पे फिर लेके चलूँगा मेरे साथ में, और बहुत सारे अच्छे दृश्य को कैप्चर करूँगा अपने इस कैमरे से और आप तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।